तो ये नजारा है यहाँ से बाहर का कुछ। यहाँ पे मैं फोर्थ टाइम आ रहा हूँ, बट जितने टाइम भी आता हूँ ना, मेरी हमेशा एक्साइटमेंट हमेशा बहुत ज्यादा रहती है दुबई आने की। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू दुबई। जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं उन्हें ऑलरेडी पता है मैं इस टाइम दुबई में हूँ, और मैं इस टाइम दुबई इस बारी फोर्थ टाइम आ रहा हूँ। सो आने वाले कुछ वीडियोस में आपको मैं दुबई घुमाने वाला हूँ, दुबई में जितनी भी सारी चीज़ें हैं, जहाँ जहाँ मैं जाऊँगा। इस टाइम हम बॉलिंग के लिए जा रहे हैं। एक्चुअली मैं कल रात को यहाँ पे लैंड हुआ था, फ्लाइट मेरी डिले थी, फ्लाइट 6:30 बजे लैंड होनी थी बट 9 बजे लैंड हुई। दुबई एयरपोर्ट बहुत बड़ा है और दुबई एयरपोर्ट से निकलते निकलते मुझे 10:30 बज गए। सो ये नज़ारा है यहाँ से बाहर का कुछ। मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है। इनफैक्ट मैं दिल्ली से आया हूँ कल, तो दिल्ली में बहुत गर्मी थी। इनफैक्ट 40-41 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है, बहुत गर्मी थी। यहाँ पे ये रेगिस्तान से घिरा हुआ है बट स्टिल यहाँ पे इतनी गर्मी नहीं मुझे महसूस हो रही। हमने घर में एसी भी नहीं चला रखा, स्टिल कूल वेदर है। ये बाहर के नज़ारे हैं। चले, ये पार्किंग है यहाँ की। यहाँ पे ये बहुत सही चीज़ है, आप अपनी बिल्डिंग के अंदर ही पार्क कर सकते हो। कितने लेवल की पार्किंग है जीजू यहाँ पे? ये 4 है पर बिल्डिंग्स पे जनरली 8, 9, 10 फ्लोर्स की पार्किंग भी होती है। अच्छा, ये 4 लेवल की पहले पार्किंग है, उसके बाद फर्स्ट फ्लोर स्टार्ट होता है। दैट इज़ गुड। आपको कहीं पे जैसे हमारे इंडिया में तो बहुत ही प्रॉब्लम है यार, दिल्ली में तो पार्किंग की बिल्कुल भी जगह ही नहीं है। अब यहाँ से ये लिफ्ट लगी हुई है, लिफ्ट आपको ये नीचे उतार देगी। तो ये बहुत ही कन्वीनियंट तरीका है। बहुत एम्पल स्पेस है। ये तो एक फ्लोर है, ऐसे 4 फ्लोर की पार्किंग है। ये हम लिफ्ट में आ गए हैं। मार्क्स। अच्छा, ये आगे सामने के खुल जाता है। ऑल राइट, ये बहुत सही तरीका है। यहाँ पे इतनी धूप नहीं है और ऊपर से गाड़ियों में ना 28 डिग्री सेंटीग्रेड लग नहीं रहा है यहाँ पर, फिर भी मतलब उतना मेरे को इतनी गर्मी लग नहीं रही जितनी मुझे दिल्ली में, मतलब बहुत ही गर्मी हो गई है आजकल। और एक ये रीजन भी है, गाड़ियों में ना इनके काले शीशे लगे हुए हैं जो कि बहुत अच्छा है, सन की रेस से हमें बचाते हैं। यार ये इंडिया में बहुत दिक्कत है, ये मतलब बहुत ही यूज़फुल फीचर है बट इंडिया में क्राइम इतना है कि इसमें पुलिस भी क्या करे। अब जो लॉ बन गए हैं इस वजह से वो बन गए हैं, बट ये होना चाहिए। यहाँ पे मैंने सुना है कि ऐसा है ना कि अगर आप किसी लड़की के नाम पर गाड़ी लोगे तो 100% ब्लैक कर सकते हो, बट अगर मेल के नाम पर कोई गाड़ी लेता है तो कम, ऐसा कुछ क्या रूल है? ऐसा पहले था, अभी ऐसा नहीं है। अच्छा, अभी आप अभी खाली आप साइड के लिए कर सकते हो, सामने का जो विंडशील्ड है वो 100% नहीं होना चाहिए। अच्छा, पहले लोग सामने की विंडशील्ड भी 100% होते। बट मैंने कल एयरपोर्ट से जब मैं आ रहा था तो मैंने काफी गाड़ियां देखी थी, इनका सामने का भी टिंटेड था, मतलब 100% तो नहीं था, बंदे दिख रहे थे अंदर बैठे हुए। पहले 100% विंडशील्ड पे अलाउड था। अच्छा, अभी वो अलाउड नहीं है। ओके, सेफ्टी रीजंस। ओके, और यहाँ पे लेन सिस्टम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी ड्राइविंग बहुत ही सोफेस्टिकेटेडली लोग चलाते हैं क्योंकि चलाएंगे ही, क्योंकि यहाँ पे फाइन्स इतने हैं कि फाइन्स अगर आप ढंग से नहीं चलाओगे, लेन को अच्छे से फॉलो नहीं करोगे या लेन एकदम से चेंज कर दोगे, लेन चेंज
600 दिरहम का फाइन है अगर मैं विदाउट इंडिकेटर दिए लेन चेंज करता हूँ। अच्छा 600 दिरहम अप्रोक्सीमेटली 12,000 रुपीज का भाई। तो ऐसे चलान से अच्छा तो अपना तमीज से गाड़ी चला वही बढ़िया है, तभी यहाँ पे एक्सीडेंट भी नहीं होते हैं। और गाड़ियाँ जैसे मतलब आप गाड़ी देखोगे कितनी भी पुरानी हो 15-20 साल 10 साल उसमें कोई भी आपको डेंट नहीं दिखेगा और यू नो कोई स्क्रैचेस नहीं दिखेगा क्योंकि एक्सीडेंट बहुत रेयरली होते हैं। बट इतनी स्पीड में गाड़ी चलती है पर होते हैं तो फिर मतलब वही एयरपिन वाला सिस्टम है होते हैं तो ढंग से होते हैं। गंदी गाड़ी रखने का भी फायदा। अच्छा गंदी गाड़ी रखने का भाई नहीं बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड यूएई जो है वन ऑफ द प्राइमरी कंट्रीब्यूटर टू दिस इकोनॉमी इज टूरिज्म। और अगर टूरिज्म इमेज पे डिपेंड करता है तो अगर हम लोग एज सिटीजंस ऑफ यूएई अगर हम लोग इसको सपोर्ट नहीं करेंगे तो देयर विल बी नो इनकमिंग टूरिस्ट नो फुटफॉल। या डेफिनेटली। और अगर फुटफॉल नहीं होगा तो टूरिज्म नीचे जाएगा तो इसीलिए दे ट्राई टू मेंटेन दैट इमेज ऑफ द कंट्री और इसीलिए बोलते हैं कि गंदी गाड़ी का भी फाइन रखा। सही बात है। और दुबई इस टाइम पे नंबर वन है ऑन मतलब अगर आप टूरिज्म की बात करें तो सारी कंट्रीज में रिस्ट्रिक्शंस हट रही हैं बट इतनी नहीं हटी हैं जबकि दुबई में बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हट गई हैं। ट्रैफिक तो लग जाता है कभी कभी जैसे ये अभी लगा हुआ है ट्रैफिक। आज पहला दिन है रमजान का। हाँ पीपल आर गोइंग आउट इट्स अ हॉलीडे फेस्टिवल सेलिब्रेशन है तो सब लोग जा रहे हैं टाइम से इफ्तार पार्टीज के लिए। ओके और इफ्तार कितना इफ्तार का टाइमिंग्स क्या होते हैं? आज का मैंने देखा नहीं बट अमूमन 5:30 to 7 के बीच में। ओके हाँ अब यहाँ पे रमज़ान चल रहे हैं और एक महीने के हैं तो दैट मीन्स 7 बजे के बाद ही आप यू नो जो फूड आउटलेट्स वगैरह हैं वो 7 बजे के बाद ही खुलेंगे। उससे पहले आप होम डिलीवरी करवा सकते हो या कुछ तो खुले भी होते हैं ना। दुबई अभी रूल्स चेंज हो गए हैं ये रूल्स अभी नॉर्दर्न एमिरेट्स शारजा एंड अपवर्ड्स है। दुबई के रूल्स आर क्वाइट फ्लेक्सिबल टू केटर द इंटरनेशनल टूरिज्म। ओके यहाँ पे ऐसा सच कोई रूल नहीं है आप आइए खाइए पीजिए किसी भी टाइम पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा 24/7 जो आउटलेट्स हैं वहाँ पे सर्विंग हो। पहले यहाँ पे था कि वो लोग मास्क कर देते थे रेस्टोरेंट्स को लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है। ओके दुबई की रोड्स बहुत सुंदर है यहाँ पे ड्राइविंग का ना एक अलग ही प्लेजर आता है। एकदम यू नो बम्पी रोड्स नहीं है और एकदम स्मूथ रोड्स हैं आप गाड़ी स्पीड में चला सकते हो। अगर आपको कम स्पीड में चलानी है तो कम स्पीड वाली लेन में चला सकते हैं आप और अगर आपको तेज चलानी है तो तेज स्पीड वाली लेन में चला सकते हैं। ट्रैफिक बहुत रेयरली लगता है जैसे मैंने भी आपको दिखाया इतना और ट्रैफिक अगर लगता भी है तो वो 2-5 मिनट का ही होता है कुछ ज़्यादा नहीं होता। बहुत सही है यहाँ पे मैं 4th time आ रहा हूँ बट जितने टाइम भी आता हूँ ना मेरी हमेशा एक्साइटमेंट हमेशा बहुत ज़्यादा रहती है दुबई आने की। पहुँच गए हम क्या नाम है इस जगह का दुबई बॉलिंग इंटरनेशनल बॉलिंग सेंटर। जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बता दूं कि मेरी फैमिली यहाँ पे रहती है एंड मेरी दोनों सिस्टर यहाँ पे रहती है। हम अभी इस गाड़ी में हैं मैं मेरे ब्रदर इन लॉ एंड मेरी सिस्टर पीछे बैठी हैं एंड दूसरी गाड़ी में मेरी दूसरी सिस्टर है एंड उनके हस्बैंड मेरे सेकंड वाले ब्रदर इन लॉ। अब उनको ढूंढ रहे हैं अब उनकी गाड़ी नज़र नहीं आ रही आगे कहाँ पर है वो BMW मास्क मना कर दिया लगाने के लिए। अरे वाह यार दूसरी गाड़ी को ढूंढ रहे हैं अभी दूसरी गाड़ी कहाँ है। अच्छा वो रही दूसरी गाड़ी हम यहाँ पे पहले भी आए थे ना जब हम फुटबॉल खेल रहे थे है ना। अच्छा विंटर्स हाँ विंटर्स में जब मैं लास्ट टाइम आया था दुबई। ओके याद आ गया मुझे अभी रमजान की वजह से भीड़ कम है। अच्छा इसलिए हम लोग अभी आए ओके ताकि एंजॉय कर सके। हाँ बाद में भीड़ हो जाएगी काफ़ी और अब क्योंकि रमज़ान चल रहे हैं तो रात को काफ़ी लाइवली एनवायरनमेंट रहेगा। अच्छा हाँ रात को जब वो खुलेगा 3 बजे तक खुला है रात को 3 बजे तक खुला है क्योंकि लोग खाएंगे पिएंगे पार्टी करेंगे। ओके सोशल मिंगलिंग होगी। ओके दैट्स आवर कॉलिंग एरिना
कौन सी बुक कर रहे हो? Which one? This one? For 5 people. 20 dirham per game. 20 dirham per game? Per person. Okay. 100 dirham se honge. So ji, humare ko ye wali seat mil gayi hai. Corner wali nahi mili hai kyunki wo corner already kisi ne le rakha tha. Ab yahan pe humne khane ka mangwa liya hai. बच्चा पार्टी हमारी, प्यारे प्यारे बच्चे यहाँ पे सो रहे हैं और ये शैतान, ये अभी हमारे साथ बॉलिंग करने वाली है। 23 नंबर लेना है हमारी, हमें यहाँ पे अपना नाम लिखना है। ये सनाशी कौन है भाई? ओ अच्छा, संदीप एंड आशी सनाशी, आप एक ही यूनिट हो क्या? अलग अलग मत बन जाना बाद में। सेल्फी लेनी पड़ेगी। सेल्फी में टॉम एंड जेरी। यहाँ से निकल गए हैं मेरा पीछे। अब यहाँ पे मैंने गाड़ी चला तो रखी है बट बहुत कम चलाई है, सो एक बार ही छोटा सा राउंड मारते हैं। वो वहाँ पे खड़े हैं सब लोग और मैं ये गाड़ी लेने जा रहा हूँ, ये गाड़ी चलाएंगे। आप इंडिया में मैनुअल चलाते थे और यहाँ पे ऑटोमेटिक चलाते हो, तो अब क्या आपको क्या उनसे प्रेफर करोगे, मैनुअल या ऑटोमेटिक? ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक प्रेफर करोगे? यार ऑटोमेटिक में ना कोई सरदर्द नहीं है, स्पेशली विद रोड्स लाइक दुबई, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आप जस्ट पुट इट इन ड्राइव मोड एंड यू कैन देन शूट ऑन द रोड। बट यहाँ पर तो मैनुअल गाड़ी होगी भी नहीं ना अवेलेबल? यहाँ पर आपको अलग अलग लाइसेंसेस मिलते हैं, सो इफ यू वांट टू ड्राइव ऑटोमेटिक देन यू हैव टू अप्लाई फॉर ऑटोमेटिक लाइसेंस एंड देन मैनुअल लाइसेंस आई थिंक इट्स बिट एक्सपेंसिव देन ऑटोमेटिक लाइसेंस। अच्छा, तो आपके पास मैनुअल, सॉरी ऑटोमेटिक लाइसेंस? आई कैन नॉट ड्राइव मैनुअल। ओके। और
लाइसेंस की कॉस्ट भी यहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव है, अनलाइक इंडिया। तो इंडिया में जब मैंने लाइसेंस बनवाया था तो मैंने शायद पे किया था 2000, दैट इंक्लूड्स कमीशन देना एजेंट को, ड्राइविंग लाइसेंस और टेस्ट ना देने की स्किल, जिसमें वो ड्राइव भी करवाते थे। Okay. मैंने काफ़ी पुराना लिया था ड्राइविंग लाइसेंस, 2003 2004 में लिया था मैंने इंडिया में लाइसेंस। यहाँ पर वो सेम लाइसेंस जो मैंने अभी लिया है, दैट विल कॉस्ट इंडिया के, अगर इंडिया के हिसाब से बोलेगा तो कॉस्ट करता है 2 लाख के अराउंड। 2 लाख रुपए लगे ड्राइविंग लाइसेंस के लिए? और उसके लिए मैंने सुना कि पहले बहुत बहुत रिग्रस एक आपको टेस्ट देना पड़ता है। If you are coming from countries like India, तो यहाँ पे उनका license convert नहीं होता है। अच्छा। और कुछ countries से license convert कर लेते हैं, obvious reason है, left hand drive, right hand drive, वो difference and obviously कुछ वो US वाले होते हैं, जैसे कोई अगर US से आ रहा है convert करवा सकते हैं, वहाँ पे left hand drive है, right, उनको एक paper देना पड़ता है and वो clear कर सकते हैं। But हमारे लिए training are defined है कि इतना minimum training करना है। If you are a experienced driver and you are driving और तुम लोग 10 साल से ज्यादा कार ड्राइव करी है तुमने अपनी कंट्री में, अच्छा, तो आपको मिनिमम 10 घंटे की क्लास वार करनी पड़ती है। अच्छा, ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए। हाँ, बिफोर अप्लाइंग फॉर ड्राइविंग लाइसेंस। तो वो आप जो ऑथराइज इंस्टीट्यूट है उन्हीं से कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है जैसे हमारे इंडिया में होता है कि आप किसी भी बंदे से कर लो जिसने कर लिया वहाँ पे, तो वो नहीं है। आपको वो ऑथराइज इंस्टीट्यूट से ही करना है वो ट्रेनिंग, और वो आपकी जब ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी देन यू कैन अप्लाई फॉर ड्राइविंग लाइसेंस। तो आप क्या इंडिया में 10 साल से गाड़ी चला रहे थे, आपको नहीं करना पड़ा? मेरे को 10 घंटे की मिनिमम ट्रेनिंग करनी पड़ी ना। अच्छा, अगर आप 10 साल से नहीं चला रहे हो और तो आपको फिर 15 घंटे 25 घंटे ऐसी क्लासेस करनी पड़ती है। अच्छा, तो उसके अलग पैसे होते हैं, उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करने के हर घंटे के हिसाब से अलग पैसा होता है। अच्छा, जैसे जैसे आपकी क्लास बढ़ती रहेगी आपके आपका चार्जेस भी बढ़ जाएंगे। बहुत तगड़े रूल्स है यहाँ पे तो, बट हाँ ये कहीं ना कहीं रूल्स यहाँ के लोगों के लिए बनाए गए, उनकी सेफ्टी के लिए बनाए गए हैं और यू नो उनकी कंफर्टेबिलिटी के लिए बनाए गए हैं। तो रूल्स के हिसाब से सही रहता है यार, यहाँ पे रूल्स हैं तो आपको कभी कोई रोड पे हॉर्न करता हुआ नहीं मिलेगा। हॉर्न भी नहीं सुनी मैंने यहाँ पे। आपको कभी ड्राइव करते हुए ऐसा नहीं सोचना पड़ेगा कि आप इतनी तेज स्पीड पे आ रहे हो एंड देन यू हैव टू लुक आउट फॉर समवन एल्स हु इज कमिंग फ्रॉम अ डिफरेंट डायरेक्शन, कुछ नहीं सोचना पड़ेगा। अच्छा, आप अपना ड्राइव कर सकते हो, आपको पता है कि अगर आप सही चला रहे हो तो अगले वाला बंदा देयर इज नो रिस्क और वो सही चलाएगा चलाएगा। हिल वेट, अगर आप मेन रोड पे चल रहे हो, अगर वो दूसरी साइड पर है तो वो वेट करेगा। सारे रूल हैं, रोड इन्होंने वैसे डिफाइन करी है कि जहाँ पे जो स्पीड लिमिट होनी चाहिए वो होना चाहिए, और पेडेस्ट्रियन भी जो है वो एक डेजिग्नेटेड एरिया पे ही रोड पार करते हैं, ऐसा नहीं कोई कहीं से भी आ रहा है। सो जी, हम अब वापस घर आ गए और हम जिस वाले घर से गए थे अब उस वाले घर में नहीं आए, दूसरे घर में आए। आई मीन जो मेरी दूसरी सिस्टर रहती है यहाँ पे उनके घर पे आए। ये पीछे सारी पार्किंग है, ये पूरी ये उससे बड़ी बिल्डिंग है और ये बहुत बड़ी पार्किंग है, ऐसी कई लेवल की पार्किंग है। ये रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, ये हमने अपनी गाड़ी खड़ी करी है। अब ये कई लेवल की पार्किंग है, उसके बाद फिर रेजिडेंशियल फ्लोर स्टार्ट होंगे। और एक मज़े की बात, इसी बिल्डिंग में एक सुपरमार्केट भी है, लुल्लू सुपरमार्केट, लुल्लू हाइपर मार्केट के नाम से बहुत फेमस हाइपर मार्केट है दुबई की। आप दुबई में कभी भी आएंगे तो आप लुल्लू हाइपर मार्केट हर जगह आपको मिल जाएगी। लुल्लू हाइपर मार्केट हर थोड़ी थोड़ी जगह पे है, तो बहुत अच्छी सुपरमार्केट है और वो इसी बिल्डिंग में अवेलेबल है। तो सोचो इस बिल्डिंग के लोगों के लिए कितनी अच्छी फैसिलिटी है कि हाइपर मार्केट भी यहाँ पर है और आप बिल्डिंग के अंदर ही गाड़ी पार्क कर सकते हो और उसके ऊपर जा सकते हो। एंड इनफैक्ट ये जो मेरे ब्रदर इन लॉ है, इनका ऑफिस भी जिस कंपनी में वर्क करते हैं वो ऑफिस भी इसी बिल्डिंग में है। तो इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं, तो इसलिए लोग ये मिडल ईस्ट कंट्रीज़ में या स्पेशली दुबई में यू नो ज़्यादा प्रेफर करते हैं। आपका ऑफिस भी इसी बिल्डिंग में है ना? इस बिल्डिंग के अंदर हाँ 3 टावर है। अच्छा, ए बी सी इधर इधर अच्छे। ओके, एंड टावर ए इज कमर्शियल टावर। ओके, जहाँ पे सारे ऑफिसेज हैं। अच्छा, एंड बी एंड सी आर रेजिडेंशियल टावर। ओके, तो सुपरमार्केट भी है यहाँ पर। इसके यहाँ पर सुपरमार्केट है एंड देन देयर इज अ डेडिकेटेड पार्किंग स्पॉट। तो यहाँ पे 5 पार्किंग लेवल हैं डिफरेंट। ये तो आपके लिए बहुत कंफर्टेबल हो गया, आपको कहीं पे जाना ही नहीं पड़ता। आप तो लंच के लिए भी अपने घर पे आ जाते होगे, लंच के लिए घर पे आ सकता। एंड प्लस बिकॉज़ ये जो रेजिडेंशियल एरिया टच कर रहा है दुबई साथ द बॉर्डर को। ओके, सो इट हैज बोथ द बेनिफिट। अगर आपको दुबई जाना है शॉपिंग के लिए तो यू कैन गो वेरी इजीली, आपको बहुत ज्यादा ट्रैवल नहीं करना है। रेस्टोरेंट भी डिलीवर कर देंगे दुबई के, विच आर दुबई वाले रेस्टोरेंट ज्यादातर आपको ओवरनाइट मिल जाते हैं।
तो आपको रात को आपको खाना डिलीवर कर देंगे, बट एट द सेम टाइम यू आर नॉट स्पेंडिंग टू मच इन टर्म्स ऑफ मनी, बिकॉज आप दुबई में नहीं रह रहे, प्रॉपर दुबई में नहीं रह रहे, शारजा रह रहे। ओके, सो ये सब चीज़ें क्वालिटी ऑफ लाइफ को डिफाइन करती हैं। यहाँ पे क्वालिटी ऑफ लाइफ है, हम जैसे एंटर किए यहाँ पे, ये चार बिल्ड, ये लिफ्ट लगी हुई है और इस आई थिंक इस टावर हाई राइज टावर है और इस टावर में आई थिंक 30-40 स्टोरीज हैं। तो आप लिफ्ट में हाई स्पीड लिफ्ट लगी हुई है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आप शायद 40 फ्लोर पर हो, और यहाँ के लोग प्रेफर ही जितना ऊपर रहें उतना प्रेफर करते हैं और रेट भी उसी के ज़्यादा होते हैं क्योंकि वहाँ से व्यू बहुत अच्छा आता है और हाई स्पीड लिफ्ट लगी हुई है तो ज़्यादा देर लगती नहीं है। ये लिफ्ट आ गई है, ये रहा हमारा फ्लैट 2905। सो फाइनली घर आ गए हैं, बॉलिंग करके बहुत सारी एक्टिविटीज करके अभी व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, एंड अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एज वेल। टिल देन टेक केयर।